Welcome to yet another episode of Bindaas Ye Hai Aashiqui. Well, आज तक हमने हमारे जितने भी एपिसोड्स हुए हैं उनमें आपको जितनी भी कहानियां दिखाई, हमारी आज की कहानी उन सारी कहानियों से बहुत अलग है। हमारी आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका प्यार से कोई लेना देना नहीं था दूर दूर तक। इनफैक्ट सही मायने में तो वो अपनी जिंदगी भी नहीं जी रही थी। लेकिन क्या है ना कि प्यार की जो फितरत होती है ना वो थोड़ी अलग होती है। प्यार को ऐसी चीजें पसंद है। बस तो फिर कहीं से भी ढूंढ निकाला इस लड़की को प्यार। और फिर क्या था, इसके साथ साथ इसके आसपास जितने भी लोग थे मानो सबको जिंदगी जीने की एक नई वजह मिल गई। जैसे सबको फिर से आशिकी करने का एक मौका मिल गया। आइए देखते हैं। मेरी जेब में अभी सिर्फ 50 रुपए। गलत इंसान को फंसा लिया आपने। कोई और बकरा होता तो शायद कुछ ज्यादा मिल जाता। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो तुम, समझे? कब से देख रही हूँ मेरा पीछा कर रहे हो। चलती हूँ तो चलते हो और रुकती हूँ तो रुक जाते हो। चाहते क्यों? हाँ, मैं अपने फोन पर क्रिकेट स्कोर चेक कर रहा था रुक कर। देखो, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की और मुझे हाथ तक लगाया ना तो बचोगे नहीं तुम। ये बात बात पर आप ड्यू बॉटल में नाक के नीचे क्यों लगा देते हैं? I mean, सेल्फ डिफेंस के लिए है या कोई और चक्कर है? क्या? अरे वो टीवी में ऐड देखा था, किसी को पटाने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, कहीं वो चक्कर तो नहीं है आपका? मैं बताना भूल गई थी, ये पार्सल आया था तुम्हारे लिए। और तुम लड़की को दरवाजा बंद करने की हमेशा जल्दी रहती है। हेलो, सर्टिफिकेट्स मिल गए? हाँ ना, पर होटल मैनेजमेंट वहाँ एक नौकरी है, उनके लिए इन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। नौकरी अन्ना, मयूर कॉलेज का कैंटीन, कैंटीन के बगल में पोलिंग बूथ बनेगा, उसकी कैटरिंग इसी कैंटीन से होगी, तुम्हारे लिए परफेक्ट है। सिर्फ 30 दिन बाकी है और बहुत कुछ करना है। पर अन्ना, पर क्या? जब ये पर तुम्हारे दिमाग में आए तो अपनी फैमिली को याद कर लेना। तुम्हें हिसाब बराबर करना है। करना है ना? हाँ। छोड़ दो पापा को, बचाओ, बचाओ कोई। हाँ, हिसाब तो बराबर जरूर होगा। सांता क्रूज हाय, लगता है इस एरिया में रहती हैं। ऑटो? ऑटो नहीं मिल रहा ना? अब यहाँ से अगर पास्ता की जाना हो ना, ऑटो वाले थोड़ा ड्रामा करते हैं।
वैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई मीन मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ, तो आपको ड्रॉप कर दूँ? डोंट वरी, आपके पास आपका वो डियो स्प्रे तो है ही, जरूरत पड़े तो यूज कर लीजिएगा, नो स्ट्रेस। थैंक यू। एक मिनट, हाँ मैं जरा पेमेंट कर देता हूँ। भाई साहब उस बुक का कितना हुआ? 50 रुपए। 50 रुपए? तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र हो रही थी ना, तो मुझे पता है कि तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारी। अरे हेलो, अनबिलीवेबल यार, मेरी बाइक ले गई। भाई साहब पुलिस को खबर कर दीजिए, वो तो आपकी बाइक चोरी करके लेके गई है। मेरी बाइक? बिना सोचे समझे किसी के साथ फ्लर्ट करोगे ना तो ऐसे ही होता है। एक्चुअली क्या लड़की है यार। रोहित ये है जेसी रामाचंद्र। और ये कैटिन हेड रोहित सचदेव। अब ये आपके अंडर काम करेगी, इन्हें परमानेंट करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। ओके? आई थिंक मुझे भी एक डियो की बोतल अपने साथ रखनी चाहिए। क्यों? अरे अब तुम जो मुझे स्टॉक करी हो, और मेरा पीछा करते करते तुम इस कैंटीन तक भी आ गई। अरे नो, कि तुम यहां पर हो। वाह, यू स्टिल डोंट हैव एनी सेंस ऑफ ह्यूमर राइट? अरे रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूँ। I was just kidding. And don't worry. मैंने तुम्हें माफ किया। माफ किया? क्यों? वो कल मेरी बाइक चलाने की कोशिश जो की थी तुमने, और हाँ उस प्रोसेस में जो मुझे माइनर हार्ट अटैक देने में कामयाब जो हो गई थी। सॉरी यार, तुम हमेशा इतना सीरियस रहते हो या आज मेरी शक्ल का असर है? Well, don't worry. आज के बाद मैं कभी मजाक नहीं करूंगा। I promise. तुम बोलो तो बाहर एंट्रेंस पे भी लिखवा देता हूँ। No credit, no joke. चलेगा? I said sorry now. And thanks. मुझे ट्रायल पे रखने के लिए। Happy now? Not yet. You see, चाहे मेरे घटिया जोक्स पर ही नहीं, पर अगर तुम कभी कभार मुस्कुरा लो, थोड़ा हंस लो, तो दुनिया खत्म तो नहीं हो जाएगी ना राइट? और इससे पहले तुम मेरी बात पे रिएक्ट करो, लेट मी टेल यू, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, हम लोग एक कॉलेज कैंटीन में काम कर रहे हैं और हमारा काम है कस्टमर्स की सेवा करना। एंड इफ वी सर्व देम विद अ स्माइल द बिजनेस इज बेटर। अगर तुम दोनों की लाइफ कोचिंग क्लास खत्म हो गई तो एक काम नाम की चीज भी होती है जो तुम्हारी राह देख रही है। उस एक स्माइल पर ना मुंबई को एक महीने की बिजली मिल जाएगा। अगर ये यहाँ का हेड है तो सबसे पहले मुझे इसका विश्वास जीतना होगा ताकि इसे मुझ पे शक ना हो।
शेफ साहब बहुत भूख लगी यार, एक वेज सैंडविच मिलेगा क्या? थैंक यू, जल्दी। अच्छा रोहित, मेरी पोलिंग ऑफिसर के साथ बात हो रही थी, उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर 3 कनेक्टिंग रूम चाहिए जो हमारे पास है नहीं, तो हमने सोचा कि कैंटीन का जो पुराना स्टोर रूम है उसे खाली कर देते। नो प्रॉब्लम सर, मैं अभी खाली करवा देता हूँ, चलिए मेरे साथ। थैंक यू। अरे उन्होंने सैंडविच नहीं खाया, लाइक मैं देकर आती हूँ। रोहित, योर सैंडविच। क्या बात है, थैंक यू। मैं कुछ मदद कर दूं? मदद? श्योर। फर्स्ट रिएक्शन सामने वाले को मारने का क्यों होता है? सॉरी। कैंटीन के हेड का क्या हुआ? उसे तुम पर भरोसा हुआ कि नहीं? देखो जयश्री, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सुना तुमने? हाँ ना, अभी अभी 3 हफ्ते हैं, हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगा है वो, क्योंकि ना विश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है। रोहित सीधा लड़का लगता है उसे ना। मेरे बारे में बात करी थी? ऑलरेडी? अभी अभी तो मिले? नहीं, वो मेरा मतलब है, हाँ घर वाले पूछ रहे थे कि कहाँ और किसके साथ काम कर रही हो, बस वही बता रही थी। अच्छा, वेल अच्छी रिपोर्ट तो दी ना, तो फिर ये रिश्ता पक्का समझे? शट अप। आज से तेरी नई राइड। क्यों, शादी हो गई क्या? हो जाएगी यार, देख मॉम डैड से मेरा जिक्र तो हो ही चुका है, अब बस ये शगुन की थाली पहुंचाने की देरी। अच्छा, तेरे पास उसके मुंबई घर का एड्रेस तो है नहीं, पर भाई साहब शगुन की थाली लेके जाएंगे। वाह, चैलेंज, आज उसके घर पहुंच कर दिखाऊंगा तुझे मैं। क्यों अपने नाक कटवाने पे तुला हुआ है? चैलेंज डन, अब तू देख। जयश्री, रात बहुत हो चुकी है ना, और इतनी रात तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ओके थैंक्स। चलो। ये सब लोग कौन है क्रिश? ये पोलिंग ऑफिसर्स इंस्पेक्शन करने आए। दो पुलिसमैन ठीक रहेगी सिक्योरिटी के लिए, और अंदर आने के लिए सिर्फ दो रास्ते होने चाहिए, एक पब्लिक के लिए और एक स्टाफ के लिए, और जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो हम कंटेन में रखेंगे। जी ऑफ कोर्स, आप लोगों को जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी आप हमें बता दीजिए और वो हो जाएगा। बाहर का एरिया हम ब्लॉक रखेंगे, लेकिन हमारे लिए आप किचन चालू रखें मिनिमम से। या ओके, 3 या 4 लोग काफी होंगे। रोहित, तुम अब बस यहां अंदर ही रहोगी, कोई जरूरत नहीं तुम्हें बाहर जाके सर्व करने की, समझ रही हो? तो
तुम्हें किसी की बात ना कभी अच्छी लगनी चाहिए और ना कभी खराब। तुम कोई आम लड़की नहीं हो, एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ लड़ाई करना चाहता है, जिसकी अपनी कोई निजी पसंद या नापसंद नहीं है, जिसका अपना कुछ भी नहीं है। और एक खास बात, अपने इस दिल को ताला लगा लो और फेंक दो चाबी। अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब दिमाग से काम लो, दिमाग से। भी ऐसा हुआ है, पर अब बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। पहले तो तुम्हें सिर्फ ड्रॉप करना चाहता था, बाइक पे बिठाना चाहता था, एक हाय था, तुम्हारी जैसी लड़की मेरे साथ है। पर अब जब तुम्हें मैं अकेले ऐसे सड़क पर ट्रैवल करते हुए देखता हूं, तो अजीब सा लगता है, फिक्र होती है तुम्हारी। रोहित, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से अकेली रही हूँ, इंडिपेंडेंट रही हूँ, और मुझे मेरा ख्याल रखना आता है। मुझे पता है, दिखता है वो। पर अगर कोई और तुम्हारा ख्याल रखना चाहे तो मैं रखना चाहता हूँ तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी हर बात, हर चीज का ख्याल। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या फील करती हो, कि मुझे ये बताना है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ। रोहित, रोहित मेरी लाइफ में वो। I love you, जयश्री। I love you. I love you. I love you. रोहित, तुम मेरे साथ अपने इमोशंस मत जोड़ो, और वैसे भी मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए ही हूँ। मुझे एक मौका दे दो प्लीज। मुझे नहीं पता तुम यहां पर कितने महीने के लिए, 3 महीना, 2 महीना, 1, जो तुम कहो। जब जाना हो चली जाना, मैं नहीं रोकूंगा। पर तब तक जयश्री मुझे अपना ध्यान रखने का हक दे दो प्लीज। देखो, अभी मुझे जाना होगा, आंटी देख लेगी। हाँ, बाय। सॉरी रोहित, मैं कभी एक आम लड़की नहीं हो सकती। मैं तुम्हें उम्मीद नहीं देना चाहती थी। वो लड़का तुझे अंदर ले तो जाएगा ना? हाँ, बोल। हाँ ना, सब कुछ हो जाएगा। बॉम्ब प्लांट करना है ना,
और वो मुझे करना है, तो उसमें रोहित को अंदर ले जाने की क्या जरूरत है? सब कुछ उलझता जा रहा है। क्या उलझता जा रहा है? कहीं तुझे उससे प्यार व्यार तो नहीं होगी? तू उसके करीब भी मत जाना। देख, देख इधर, देख, यही वो आदमी है। इसी आदमी ने पूरे गांव को मौत के घाट उतार दिया था, सिर्फ इसलिए कि इसे लगा कि वो सब आतंकवादी है। ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है ऐसे आदमी को जिंदा रहने का, और ना ही सरकार बनाने का। इलेक्शन होने में अब सिर्फ 15 दिन बाकी है। उस पोलिंग बूथ में प्लांट किया हुआ बॉम्ब नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की बॉम्ब सिक्योरिटी ढूंढ लेती है। तू खुद बॉम्ब बनकर राठौर की किस्मत का फैसला करेगी। तेरे साथ साथ वो पूरा पोलिंग बूथ एक धमाके के साथ सब उड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब राख हो जाएगा। जय श्री। हेलो, तो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था, क्या संडे का तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ नहीं। व्हाट? संडे का कोई प्रोग्राम ही नहीं है? क्यों, तुम्हारा क्या हर संडे को कोई प्लान होता है? ऑब्वियसली, बचपन से। देखो, करनाल में संडे का मतलब था दोस्तों के साथ मछली पकड़ना और फुटबॉल खेलना, कॉलेज में बाइक्स पर आवारागर्दी, मूवीज देखना और पेट भर कर खाना। किसी और के पैसों पर, खुद के नहीं, कोई ना कोई तो मिल ही जाता था, पटाने के लिए या फंसाने के लिए। वैसे तुम बचपन में क्या करती थी संडे को? मेरे लिए तब भी कोई संडे नहीं होता था, पूरा दिन ट्रेनिंग, मेरा मतलब है कि पढ़ाई करती रहती थी। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि संडे का मजा कैसे लिया जाता है। समझे? हाँ रोहित, कुछ करते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आम लोग संडे कैसे मनाते हैं। सिर्फ एक बार, इससे पहले कि मैं डन, बाय बाय। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा संडे को कुछ प्रोग्राम ही नहीं होता है। फिश वेजिटेबल्स ना? मुझे लगा कि तुम्हारे लिए संडेज का मतलब चिकन और मटन होता है। नॉर्मली यस, बट अगर चिकन और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसी तुम्हें चुनूंगा ना। टमाटर कैसे दिए भैया? स्पेन में एक फेस्टिवल होता है जिसमें लोग एक दूसरे को टमाटर फेंक के मारते हैं। इट्स मेड फॉर लवर्स। तो तुम्हारा रोमांस टमाटर मार के होता है? मैं तो बस तुम्हें हंसाना चाहता था। तुम बोलो तो ये दिन और भी रोमांटिक हो सकता है। बस एक इशारा करने के लिए। एक साइडी सी कॉमेडी मूवी देखते हैं।
आई थिंक दिसंबर का महीना बेस्ट होगा शादी के लिए। गर्मी में शादी के नाम से मुझे पसीना आता है, और उस मौसम में शेरवानी कैसे पहन सकते हैं? शादी? मैंने हाँ कब कहा और तुमने मुझसे पूछा कब? अब इसमें पूछने वाली क्या बात है, शादी तो तुम मुझसे ही करोगी, और दिसंबर में अभी टाइम है, तब तक तुम अपना एक जोड़ा भी सिलवा लेना और शॉपिंग भी हो जाएगी। मैंने सब प्लान करके रखा हुआ है। तो तुम्हें लगता है कि शादी के लिए मैं तुम्हें हाँ कर दूंगी, है ना? ऑफ कोर्स, यहाँ तक कि मैंने अपना हनीमून भी प्लान कर लिया। हनीमून? हाँ हनीमून। तुमने रन ऑफ कच्छ के बारे में सुना है? कहते हैं कि चांदनी रात का नजारा रन में हाय दुनिया के सबसे बेहतरीन नजारों में से एक है। हम पूरी रात बस बातें करते रहेंगे, और फिर हम अपने छोटे से टेंट में जाएंगे, सारी दुनिया से दूर, सिर्फ तुम और मैं। और यार बहुत ही खूबसूरत होता है जयश्री, क्यों भाग रहे हो इससे इतना दूर? रुक जाओ, मुड़ जाओ। And I promise, मैं तुम्हारे सारे आंसू मुस्कान में बदल दूंगा। अरे जयश्री, आई लव यू तो बोलती जाओ। अगले 15 दिन कैसे बीत गए इस बात का जयश्री को अंदाजा भी नहीं। इन 15 दिनों में जयश्री सिर्फ जीना चाहती, सब कुछ भूल कर अपने मौत के ख्याल को अपने दिमाग से निकालकर बाहर फेंक देना चाहती, अपने मौत के ख्याल और साथ ही साथ उन लोगों की मौत के ख्याल जिन लोगों की मौत जयश्री की वजह से होने वाली। यार मैं ना तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर। क्या? तो और नहीं तो क्या यार, 1 महीने से हम लोग साथ में, और उस 1 महीने में तुम्हें एक बार भी मुझे आई लव यू नहीं बोला, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। क्या करें, कैंटीन में हम कोई देख लेगा तो? हाँ, जैसे घर में तो तुम रोज फूलों की बारिश करके एलाने इश्क पे आ करती हो, right? हाँ, देखो, I know that you love me, और ये बात अब तक कोई अंधा भी समझ जाएगा यार, तो बोलने में क्या तकलीफ है? रोहित, I के आगे भी 2 शब्द होते हैं। एक सैंडविच मिलेगा। जी ना, थोड़ी सी ऑफ टाइमिंग होगी। वेल, नो प्रॉब्लम, इस कैंटीन में हम सबको सर्व करते हैं। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी लेकर आया। अब बात समझ में आई कि उलझन क्या थी? नहीं अन्ना, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं। एक बात ध्यान से सुन ले, तेरी किस्मत का फैसला मैं लिखता हूँ, मैं। तेरी किस्मत में वही होगा जो मैं चाहूंगा, और मैं वो फैसला कर चुका हूं। तेरा जो कुछ भी इस लड़के के साथ है, अगर तुझे लगता है कि वो प्यार है तो सुन ले, ये प्यार हमें कमजोर बनाता है, और तू कमजोर नहीं बन सकती, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अन्ना, आप जो कुछ भी बोलेंगे ना, और जैसा बोलेंगे मैं सब कुछ करूंगी। हाँ, क्योंकि इसके अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर यहां तूने हमारे प्लान के अलावा कुछ भी किया है, तो वहां उस लड़के की जान गई, समझ? नहीं अन्ना,
मैं लेके जाती हूँ। हाँ इससे भी ज्यादा काम तो है नहीं, तुम रोहित ब्रेक ले लो। चॉकलेट खाने का मन कर रहा है मेरा, लाके दोगे? ओके मिसेस बॉस। जयश्री क्या हुआ? रोहित आई लव यू। ये सब क्या हो रहा है जयश्री? अरे मैडम का ऑर्डर है, चॉकलेट लेने जाना है, चले चल। पता नहीं सर झूठ था या सच, पर चेक तो करना ही पड़ेगा। जाए पोलिंग बूथ पे मत जाना और हो सके तो मुझसे नफरत मत करना। अरे कमरे में बम है, अरे कमरे में बम है। कर रहे हो क्योंकि तुमने असली मतलब सिखाया है मुझे संडे का, लोगों के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं वो तुमसे सीखा मैंने, सब कुछ तो मैंने तुमसे सीखा रोहित। जानते हो क्यों? उस राठौर की वजह से, उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया, सारे गांव वालों को मार दिया। सिर्फ 9 साल की थी मैं, छोटी सी। उस दिन से लेकर आज तक अन्ना ने मुझे सहारा दिया, उन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया। जानते हो क्यों? इस पल के लिए, इस दिन के लिए राठौर ये इलेक्शंस नहीं जीत सकता। और रोहित तुम्हारी वजह से ना मैं बहुत वीक पड़ रही हूँ, ऐसे मत करो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मुझे पता है तुम्हारे दिल में नफरत है, जहर है, वो जहर जायज है। ये रास्ता जो तुम बना रही हो वो जायज नहीं, इसमें नुकसान किसका होगा? आम आदमी का। तभी तो मैंने पोलिंग बूथ से ज्यादा लोगों को हटा दिया ताकि ज्यादा जाने ना जाए। रोहित मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं? किसी ना किसी को तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो यह पहले खत्म करना पड़ेगा। रोहित दूर दूर हो जाओ मुझसे, मेरी जैकेट में बॉम्ब है। रोहित कुछ हो जाए। जयश्री तो फिर एक बार फिर से बोल, यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो? तो बस मिल गया रास्ता, बदले को इस नफरत को जाने दो, क्योंकि बदले की आग में वही लोग चलते हैं जिनके दिल में प्यार का कोई रास्ता नहीं होता।
कि आप ट्वीट कैसे करेंगे। रोहित, मुझे सिर्फ एक्टिवेट करना सिखाया गया था। कम से कम यहां से सारे लोगों को तो निकाला जा चुका है, चलो मेरे साथ। सर सर प्लीज हेल्प, बॉम्ब यहां है। मिस्टर राठौर, आपकी जान आज इस लड़की ने बचाई, जानना चाहते हैं ये लड़की कौन है? ये एक अनाथ जिसके माँ बाप को आपने मरवा दिया। आई तो ये भी आपकी जान ने नहीं, लेकिन बख्श। खड़े हो जाओ। मैंने अपना हनीमून भी प्लान कर लिया। हनीमून? हाँ हनीमून, सारी दुनिया से दूर, सिर्फ तुम और मैं, सिर्फ तुम और मैं, सिर्फ तुम और मैं, सिर्फ तुम और मैं, सिर्फ तुम। रोहित ने जयश्री के दिल से नफरत को निकालकर एक ऐसा एहसास भर दिया था जिसमें सब कुछ माफ। हालांकि दोनों ने अपनी जिंदगी तो खो दी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि उनका रास्ता गलत था तो उनका अंजाम भी गलत, बल्कि इसलिए कि उन दोनों ने दूसरों की जिंदगी की अहमियत समझ ली। इसलिए कि उन्हें समझ आ गई थी कि किसी और की मौत में खुद की जिंदगी को ढूंढने से बेहतर है कि अपनी मौत को अपनाकर किसी और को जिंदगी दे। इसी को तो कहते हैं आशिकी। Well, I'll see you next week. Till then, keep falling in love. प्रीति और सूरज पिछले 2 साल से गायब थे। आखिरी बार ये सुनने को आया था कि दोनों ने शादी कर ली है और बहुत खुश है, लेकिन किसी को नहीं पता था वो है कहाँ। प्रीति कानपुर से मुंबई सबक सिखाने। उसके डैड को बिजनेस में चीट किया गया था और इसी की वजह से उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था। प्रीति ने मुंबई आकर बहुत रिसर्च की और उसी कंपनी के सीए सूरज के साथ प्यार का नाटक किया ताकि उसके बॉस तक पहुंच सके। फिर एक दिन प्रीति ने सब कुछ बता दिया सूरज को, सच सच। सूरज को इससे बहुत गहरा सदमा लगा, लेकिन उसने प्रीति को ये रियलाइज कराया वो जो कर रही है वो सही नहीं है और इससे उसे उसका परिवार वापस नहीं मिलेगा। आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे शो, हमारे एपिसोड या हमसे लेकर कुछ भी ऐसा है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस एट बिंदास टीवी #यह है आशिकी। वी विल बी वेटिंग।